आज हम बात करेंगे गिगोलो के बारे में। गिगोलो यानी मेल प्रोस्टिट्यूट्स या मेल एस्कॉर्ट एजेंसीज जो रहती है वो मेल एस्कॉर्ट्स प्रोवाइड करती है, मतलब लड़कों को एज ए सेवा देने के लिए ऑफर किया जाता है और लड़के औरतों के लिए उपलब्ध होते रहते हैं। दे आर मेल प्रोस्टिट्यूट्स और मेल सेक्स वर्कर्स। इसके आपको गूगल्स पे एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी कि ऐसी कंपनियां हैं कि जिनके पास में ऐसे लोग, ऐसे लड़के लोग रजिस्टर करते हैं खुद को एंड दे आर मेल प्रोस्टिट्यूट्स और वो ऑन डिमांड फीमेल्स के लिए उपलब्ध होते रहते हैं। अब ये मेल प्रोस्टिट्यूट्स जो है उनको एस्कॉर्ट, मेल एस्कॉर्ट एजेंसी जो है वो हायर करती है और ये जो फीमेल्स रहती है वो उनको बुलाती रहती है, उनको पे करती रहती है। अब ये कौन सी फीमेल्स जो है ज़्यादातर कि वो उनको एज ए गिगोलो वो मेल प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाती है, उनकी सेवाएँ लेती है। ऐसी लेडीज़ की जो अकेली है, ऐसी लेडीज़ की जो जिनके हस्बैंड्स जो है वो दूर दूर तक नहीं आने वाले है, मतलब 6-8 महीने साल भर तक परदेश में है वो नहीं आने वाले अपने देश में, या हस्बैंड नहीं है, बच्चे भी दूर है, अभी अकेली है, तो फिर करना क्या है? तो फिर चलो एक पार्टनर को ले लो और डेटिंग करो, उसके साथ में घूमो फिरो, मज़े करो। अभी फिर ऐसा आपको लगेगा ये सुन के, फिर तो बहुत ही मज़ा है वो लड़कों की, जो लड़कों को ऐसी लेडीज़ मिलती है जिनके साथ में वो सेक्स भी करे और पैसा भी मिले, मतलब देने के बदले मिल रहा है पैसा। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो लेडीज़ हैं जो डिमांड करती है एजेंसीज़ को कि हमको ऐसे लड़के चाहिए या कॉल बॉयज़ चाहिए या ऐसे मेल बॉयज़ चाहिए कि जो ये सेवा देने को तैयार है, तो फिर उनके काफ़ी सारी अट्टियाँ रहती है, शर्तें रहती है। वो अच्छा खासा पेमेंट भी देंगी मगर वो चाहते हैं कि किस तरह उसने किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, उसको इंग्लिश अच्छी आना चाहिए, उसको हिंदी इंग्लिश या और भी जो जो कोई लैंग्वेज की वो लेडी होंगी वो लैंग्वेज उसको अच्छी आनी चाहिए, उसका बिहेवियर, उसका जैसा एक होटल का समझो एक आधा वेटर है, एकदम छोटा होटल है उसका वेटर है, वो किस तरह से बात करता है, टॉवल डाल देगा, वो ग्लास ला के रख देगा और वो जो सेवा देगा वो एक वेटर और एक 5-स्टार में काम करने वाला वेटर, दोनों में डेफिनेटली फ़र्क होता है। वैसा ये भी है कि एकदम बहुत ही सस्ती सेवा देने वाला एक मेल बॉय है, मेल वर्कर है और एक बहुत अच्छी सेवा देने वाला है, फिर वो दिखने में कैसा है, क्लीन शेव है, हाइजीनिक है, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ मतलब गुप्त रोग नहीं है, HIV नहीं है, तो ऐसे सर्टिफिकेट्स रहने की ज़रूरत होती है और फिर वो सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। अभी ये कौन लड़के रहते हैं? वो लड़के ऐसे हैं कि जो छोटे शहर के रहते हैं, बड़े शहर में जाते हैं, बड़े शहर में एक्टर बनने के लिए जाते हैं या कोई मतलब कोई फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम मिलेगा वहाँ से जाते हैं, फिर वो फिल्म इंडस्ट्री वाले या और भी कोई कंपनियों वाले उनको हेर लेते कि चलो इसको कुछ ना कुछ करने की इच्छा है, पैसे की लालच है, फेमस होने की इच्छा है और वो दिखता भी अच्छा है, दिखने भी अच्छा दिख रहा है, तो चलो उसको पकड़ लो, तो उसको वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू उनको ले लेते हैं, उनको रजिस्टर करवाते हैं और फिर उनको फ़ोटोज़ वगैरह डिस्प्ले कर लेते हैं। तो जो लेडीज़ है जिनको ऐसे मेल सेक्स वर्कर्स चाहिए या मेल एस्कॉर्ट्स चाहिए उनको ये कंपनीज जो है वो कंपनीज़ उनको जैसे फीमेल एस्कॉर्ट्स है सेम है, सिर्फ ये मेल एस्कॉर्ट्स है और वो कंपनीज जो है उनको प्रोवाइड करती है कि उनके पास में कौन से मेल्स उपलब्ध है, कैसे लड़के हैं, दिखने में कैसे है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, कैसी सेवा देंगे और फिर उनकी सेवा देने के बाद में उनको सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, सेटिस्फाई करना होता है। यदि वो लेडी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो कंप्लेंट करेंगी, वो रेटिंग अच्छी देंगी नहीं, क्योंकि मेल बॉय मेल्स जो रहते हैं उनको रेटिंग कैसी है उसके ऊपर भी उनका डिमांड रहता है कि भाई जो लेडी उनकी सेवा लेती है तो सेवा देने के बाद में उनको रेटिंग भी देना पड़ता है कि नहीं भाई उनकी अच्छी सेवा दिया। तो अभी ऐसा है कि लेडी कौन सी मिलेगी, मतलब मेल वर्कर है, मेल सेक्स वर्कर है, आपको लगता होगा ठीक है बहुत ही मज़े वाली बात है, मज़े वाली बात नहीं है, क्योंकि वो लेडी जो आएंगी वो कैसे आएंगी, किस तरह की आएंगी, बहुत ही फैटी है, बिल्कुल अराउजेबल नहीं, मतलब अराउज करने वाली नहीं है, तो उसको सेटिस्फाई करना है सेक्सुअली, उसको इरेक्शन तो आना चाहिए, वो यदि उसके साथ में अच्छा बर्ताव करती नहीं, अच्छी बातचीत करती नहीं, दिखने में ठीक नहीं है, अनहाइजीनिक है, तो इसको इच्छा भी नहीं होंगी, उसको इरेक्शन भी नहीं आएगा, फिर ऐसे वक्त उसको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, दवाई लेनी पड़ेंगी, गोलियाँ लेनी पड़ेंगे और फिर उसको सेक्स करना होगा, अब उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स है दवा गोली के लेंगे तो, मतलब ऐसे कंडीशन में मतलब इतना आसान भी नहीं है कि भाई मेल सेक्स वर्कर है तो पैसा भी मिलेगा और एंजॉय भी करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेल सेक्स वर्कर बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि उनको इरेक्शन करना पड़ता है और इरेक्शन फिर कितने समय करेंगे, मतलब वो लेडी को चाहिए कि भाई 2-3 बार करना चाहिए या 4 बार करना चाहिए एक नाइट में, तो उसको होना तो चाहिए, तो फिर वो लेडी जो है वो
ऐसा हो सकता है कि वो 40 से 50 साल के बीच में है और वो चाहेंगे कि अपने कुल यंग लड़का होना कि भाई जो ज़्यादा बार कर सकेगा एक रात में, ज़्यादा समय कर सकेगा एक रात में, उसको सेटिस्फाई करेगा। कभी जाते हैं गूगल के ऊपर तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी कंपनीज जो है वो हायर करती है, उनके उनके मेनू कार्ड है, लाइक मेनू कार्ड उनके कार्ड्स है और वो कार्ड के ऊपर उनके फ़ोटोज़, उनके सर्विसेज, उनका मतलब उनके रेट्स ऐसे सब डिस्प्ले किए रहते हैं। क्या सर्विस देंगे, पूरे दिन आपके साथ में रहेंगे, पूरे रात आपके साथ में रहेंगे कि एक घंटे के लिए रहेंगे कि दो घंटे के लिए रहेंगे, ऐसे इस तरह का उसमें जानकारी रहती है और वो सेवाएं फिर वो लेडीज़ को मिलती रहती है। तो ये गिगोलो जो है ये हमारे देश में तो इतना नहीं है, हमारे देश में है मगर वो ओपन नहीं है, ओपन नहीं है क्योंकि हमारे देश में हमको अभी हमारी प्रैक्टिस ही वो है तो हमको मालूम पड़ता है कि कुछ लेडीज़ जो है वो इस तरह का काम करके लड़कों को बुलाती रहती है और काम करती रहती है क्योंकि वो सेटिस्फाई अपने घर में नहीं है या फिर हस्बैंड दूर गया हुआ है। तो यह भी एक दुनिया है, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर है, फीमेल एस्कॉर्ट्स है, वैसे मेल एस्कॉर्ट्स की भी दुनिया है और ये दुनिया का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वीडियो हमने बनाया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म के भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।